ये वस्तुओं के भोग का युग है। एक नया नाम दिया इस युग को बाजार ने, और वो नाम है उपभोक्तावादी संस्कृति, जड़वादी संस्कृति। और जब व्यक्ति उपभोक्ता हो जाता है तब उसके भीतर का साधक खो जाता है, उसमें ग्राहक जगता है। और कुछ दो चार नारे पता नहीं कहाँ सुने हमने, हमें क्षमा कर देना, बुद्धू बक्सा हम तो देखते नहीं, वो टीवी मॉनिटर से बहुत दूर है, तो या तो वहां सुना पता नहीं कहां सुना। ये मेरे शब्द कान में एक दो बार तो पड़ा है, मैं नहीं जानता क्यों पड़ा है, पर एक दो बार मेरे कान में एक नया शब्द आया है, नया नारा आया, जागो ग्राहक जागो। अरे ग्राहक को जगो, जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों के लिए जागो, इन चीजों के लिए जागो, वस्तुओं के लिए जागो, ठगी ना हो जाए, छल ना हो जाए, वस्तु ऐसी है इसमें ये प्रमाण नहीं है, सत्य ये है, कुछ और हाथ न लग जाए। तो हमें लगा कि हम क्या स्लोगन बनाए, द पैरेलल, इसके पैरेलल क्या स्लोगन होना चाहिए, तो आइए वो अभी बनाते हैं, जागो साधक जागो। बे अवेयर, एक अवेकनिंग आप में भी रहे, एक अवेयरनेस आप में भी रहनी चाहिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। तो कुछ विजातीय चीजें हैं, जैसे क्रोध है, तो क्रोध हिंसक है, मारक है, दाहक है, वो चंड कौशिक और भगवान महावीर स्वामी कथा में क्रोध नहीं ले रहे हैं, वो अंगुलीमाल और बुद्ध की कथा में तो क्रोध का वो उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और ये ध्यान रहे, जब आप परिणाम से परिचित हों और किसी के आवेश और उत्तेजना को आप नहीं ले रहे हैं, उसके घृणित और उसकी अत्यंत अनादर और उपेक्षा और तिरस्कृत दृष्टि को आपने संयम से खंडित कर दिया है, बड़े जाइए आप। तो ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन में पहले विष निकला, विषकुंभ, भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने 100 सुंदर से श्लोकों की रचना की है, उसका नाम है सौंदर्य लहरी। और जो उसका पहला श्लोक है बड़ा अद्भुत है, वो पहला मंत्र, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभुतुम, एक शक्ति, विचार, ऊर्जा, एनर्जी, ये पूरा संसार ऊर्जा से भरा हुआ है, ये आप पर निर्भर करता है कि कौन सी ऊर्जा से आप जुड़ते हैं, कौन सी शक्ति से आप जुड़ते हैं, उससे जो प्रेरक है, प्रभावी है, उससे जो सृजनहार है, उससे जो रचना धर्मिता पैदा करती है, आपके द्वारा सही सृजन करेगी या उससे जो विध्वंस करेगी। आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकार भगवत पाद पूज्य शंकराचार्य लिखते हैं, ये पूरा ऊर्जा से भरा हुआ जगत है, और ऊर्जा के बिना तो शिव भी शब है, शंकर में भी अगर वो ऊर्जा नहीं है या शिव में भी नहीं है, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति प्रभुतुम, ये शिव भी शक्ति से ही ऊर्जा से शुभ है, इसमें जो शुभत्व है अथवा वे विष्णु में जो विराटता है अथवा विरंच अथवा ये ब्रह्मा में जो सृजन की सामर्थ्य है, एक अच्छी अच्छी चीजें उन्हें चुनना आता है, हमें चयन करना आना चाहिए, जो हम चयन कर सकें, ठीक चुनाव करना हमें आना चाहिए, हमें ठीक तरह का ग्रहण करना आना चाहिए, साथ में त्याग भी। जैसे आपने देखा, आपने प्राणवायु ली और अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर चली गई, तो ग्रहण त्याग तो हो ही रहा है, तो हम किसका ग्रहण करते हैं, उपादेय का, हेय का नहीं, हम उपादेय का ग्रहण करते हैं, जो उत्पादक है, हेय है, जो हेय है निंदनीय उसका नहीं करते। इसे यहां पर चेक बैलेंस लगाना होगा कि सही क्या है जिसको चुनना है। विषकुंभ निकला तो देव और धनुज व्याकुल होने लगे,
अब इसे मुक्ति कौन दिलाए? वो बीच में ही था। जब कोई आवेश हो, उत्तेजना हो, कोई विष हो, कठिनाइयां हो, अच्छा दुर्बोध हो, हम तो एक और बात कहना चाहेंगे, कोई हमसे पूछे गुरु क्या है, तो एक परिभाषा और याद आती है, जो दुर्बोध को सुबोध कर दे वही गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो कठिनाइयों को सरल बना दे, जो असंभव को संभव कर दे, अप्राप्य में प्राप्यता ले आए, जो दुस्तर है, दुसाध्य है, दुर्गम है, दुर्दि है, उसको सबको सहज बना दे। इसलिए फिर गुरु को याद करने लगे, उसका स्मरण करने लगे। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। वो आपने ठीक कहा, सोच की बात, वो अंतहीन है, एब्सोल्यूट है, इनफाइनाइट है, कंप्लीट है, परमानेंट है, इनपरमानेंट नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है। उतनी बड़ी सोच का स्वामी महादेव। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। नमस्ते भृगदेवाय, नमस्ते जलशायनी, नमस्ते विघ्ननाशाय शिवशक्तये, नमो नमः। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः। सौमार्द धारणे ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनां मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। खरबूजा जब डाल से पक जाता है तो अपने आप अलग हो जाता है। उर्वारुकमिव बंधनां। एक दृश्य बड़ा अद्भुत मुझे रोज दिखाई देता है, विशेषकर तब जब मैं आश्रम में होता हूं। भोर में, अति भोर में भ्रमण का अभ्यास है, हम वॉक पे निकलते हैं, कुछ देर के बाद तो आश्रम के माली भी जगकर और रास्ता बुहारने लगते हैं, और कभी कभी पवन ऐसी प्रचंड होती है तो ठीक ठाक पत्तों को भी धरती पर फेंक देती है। अभी लगा कि सब ठीक हुआ, फिर से कोई पवन का झकोर आया, दो पत्ते फिर गिर गए। पकने के बाद डाल पर पत्ते रहते नहीं, खरबूजा डाल पे रहता नहीं। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जिस दिन भी ज्ञान होगा आप अलग हो जाएंगे, विलग हो जाएंगे। एक और बात है, फिर जगत की निंदा नहीं करोगे ना, ये बेकार है, सपना है, धोखा है, दलदल है, हमारा बेकार की चीज है, पता नहीं किस प्रकार का मन मानस और चित्त चेतना में उलझा हुआ नैराश्य था कुछ लोगों के पास, पता नहीं कैसे गीत लिख दिए। जिंदगी है जहर तो पीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, आए तो यहां जीना ही पड़ेगा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। भैया मैं ऐसे गीत नहीं गाता, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि मैं सबसे भाग लिया, नहीं नहीं, किसी से नहीं, कहां तक भागेंगे, बिल्कुल नहीं। डिटैचमेंट किसी और चीज की है, वो रिनाउंसिएशन कोई और चीज की होनी चाहिए। कितनी चीजें फेंकोगे? त्र्यंबकम् यजामहे, जैसे ही ज्ञान की दृष्टि मिली नमः, सौमार्द धारणे, जैसे अमृत की दृष्टि मिली, जैसे विवेक दृष्टि मिली, जैसे नीर क्षीर अलग करने की दृष्टि मिली, और जैसे विचार मिला, उस विषय से विलग हो गए वो। फिर भी भयभीत थे, ये कहकर के अब इस जहर का कुछ तो करो, तो भगवान ने उसे अपने कंठ में रख लिया, न तो वो निगल गए, न उसे उगलने उगला उन्होंने, न तो वमन किया, न उदरस्थ किया, नीलकंठ कहलाए। इसे जब जब कठिनाइयां हों तब उसका स्मरण करना,
वो गुरु बनकर, विचार बनकर, मंत्र बनकर, साधन बनकर, कोई उचित अवसर बनकर, कोई योग्यता पात्रता बनकर अथवा कोई विशेष लाभकारक परिस्थितियां बनकर आपके जीवन में जरूर आएगा, निसंदेह आएगा।